एस चिल्ड्रंस पॉलिसी इन LIC। दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं LIC में और आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चों के लिए कौन सी पॉलिसी अच्छी साबित होने वाली है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इसके अलावा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही चल चुका है कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कोई प्लान लेने का सोच रहे हैं LIC में तो आप कौन सा प्लान ले सकते हैं, ऐसा कौन सा प्लान है जो 2023 में आपके बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं इस कन्फ्यूज़न में तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, जीवन लक्ष्य प्लान या फिर चाइल्ड मनी बैक प्लान या फिर जीवन तरुण प्लान। तो फ्रेंड्स, इन तीन प्लान में से हम देखेंगे कि आपके बच्चों के लिए कौन सा प्लान रहने वाला है सबसे ज़्यादा अच्छा और क्यों रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं तीनों प्लान के बारे में यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस जो भी इसके पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप इन प्लान्स की पूरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं सारे जो हमारे प्लान हैं उनको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ हमारा सबसे पहले जो प्लान है जीवन लक्ष्य प्लान, तो फ्रेंड्स ये प्लान आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए अपने बच्चों के पर्पज़ से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा जीवन लक्ष्य प्लान है इसको हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो कन्यादान है ये एक कॉन्सेप्ट है जीवन लक्ष्य का ही, लेकिन इसका असली नाम जो है वो जीवन लक्ष्य प्लान है। तो फ्रेंड्स, इस प्लान का जो मेन क्या होता है कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो पॉलिसी होती है, ये जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी होती है, कन्यादान पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी को कोई भी 18+ इस पॉलिसी को ले सकता है। और लेने के बाद इसमें क्या होता है कि अगर मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो फ्रेंड्स जो भी उसका सम अश्योर रहा होता है, अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली होती है तो उसका 10% उसके जो भी बेटी या फिर बेटा है उसको पर एनुअल हर साल आता रहता है एजुकेशन के पर्पस से। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर उस व्यक्ति की जो मतलब उसके साथ जो मिस हैपनिंग हुई है अगर एक्सीडेंटल है तो उस टाइम पे एट द टाइम उसको सम अश्योर जो होता है वही सम अश्योर उसकी वाइफ है उसको दे दिया जाता है। 10 लाख रुपए का उसका सम अश्योर है तो वो सम अश्योर उसकी वाइफ को दे दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये पॉलिसी में क्या होता है कि आगे आपको कोई भी प्रीमियम नहीं देना होता है, क्योंकि मेन पॉलिसी होल्डर जो था वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो पॉलिसी को कौन भरेगा। इसलिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है और इसके साथ साथ मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लान में काफ़ी सारी खासियत है, अगर आप इस प्लान को लेने की सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए अगर इस प्लान को सोच रहे हैं तो आप इस प्लान को बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, वो आप क्यों ना लें मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि ये जो जीवन लक्ष्य प्लान है इसमें जो रिस्क कवर रहता है वो पॉलिसी होल्डर का रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वाली पॉलिसी इस तरीके से काम करती है कि जो हमारा प्लान है जीवन लक्ष्य, इसमें पॉलिसी होल्डर होता है और जो उसको नॉमिनी बनाता है वो अपनी बेटी या फिर बेटे को नॉमिनी बना सकता है, और जो अपॉइंटी बनाएगा वो अपनी मिसेस यानी कि अपनी वाइफ को बना सकता है। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर जो पॉलिसी होल्डर है उसके साथ मिसहैपनिंग होती है तब ये सारी सिचुएशन लागू होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। लेकिन आपने सोच के लिया था अपने बच्चे की मैरिज के लिए, अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, और अगर उस बीच में बच्चे के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो ये रिस्कवर नहीं मिलता है बच्चे यानी कि फादर को या फिर मदर को। तो फ्रेंड्स, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में यही एक कमी है कि ये जो पॉलिसी है इसमें पॉलिसी होल्डर का ही रिस्क कवर होता है, बच्चे का कोई भी रिस्क कवर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड तो इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं मिलता, नॉमिनी चेंज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जीवन लक्ष्य प्लान को आपको इस रीज़न से नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ चाइल्ड मनी बैक प्लान जो हमारा है, टेबल नंबर इसका 932 है। पहले इसका 832 हुआ करता था, अब इसका जो टेबल नंबर है 932 हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस प्लान की, तो ये प्लान भी काफ़ी अच्छा प्लान होता है बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और इसमें बता दूँ कि जो ये वाली पॉलिसी होती है इसमें लाइफ अश्योर जो होता है वो होता है बच्चा, और जो प्रपोजर होता है यानी कि जो प्रीमियम देता है वो होता है फादर। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी में क्या होता है कि PWB राइडर दिया जाता है बच्चे को, यानी अगर फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो यहाँ पे बच्चे के जो भी प्रीमियम होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं 18 साल तक। तो फ्रेंड्स प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और मैच्योरिटी के बेनिफिट भी उसको मिलते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, यानी कि अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तब उस केस में क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें भी दो सिचुएशंस होती हैं। बच्चे का जो रिस्क वाला है वो स्टार्ट होने की एक डेट होती है, पर्टिकुलर एक एज होती है। अगर बच्चे का रिस्कवर की जो डेट है वो हो चुकी है और उसका रिस्कवर स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तों बच्चे की डेथ में क्या मिलेगा, सम अश्योर प्लस बोनस। तो फ्रेंड्स ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी, जो नॉमिनी यानी कि प्रपोजर को वो चीज़ मिल जाएगी फादर को। और फ्रेंड्स इन केस ऑफ डेथ ऑफ फादर, यानी अगर फादर की या फिर मदर जो भी प्रपोजर है उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे बच्चे के प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं अगर उन्होंने PWB राइडर को चूज़ किया था तो। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी हो गई चाइल्ड मनी बैक प्लान की बात। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मनी बैक प्लान, तो फ्रेंड्स इस प्लान में क्या होता है, बच्चे की उम्र 18 साल होने पे, 20 साल होने पे और 22 साल होने पे मनी बैक आता है 20%, यानी कि जो बेसिक सम अश्योर होता है उसका 20% मनी बैक मिलता है। यानी कि दोस्तों मैच्योरिटी होने से पहले बच्चे को 60% ऑफ बेसिक सम अश्योर मिल चुका होता है। और फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग समझ ही चुके हैं कि 18, 20 और 22 तीन मनी बैक मिलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जब 25 साल एज कंप्लीट होती है बच्चे की, उस टाइम पे 40% जो सम अश्योर का है प्लस जो भी बोनस बनता है वो रिटर्न हो जाता है बच्चे को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो ये प्लान है काम करता है। वैसे तो मनी बैक जो हमारा प्लान है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जीवन तरुण में इसमें थोड़े से डिफरेंट देखने के लिए मिल जाता है। दोनों प्लान बिल्कुल ही सेम है, बस इसमें मनी बैक के आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ जीवन तरुण प्लान की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं मनी बैक के। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको पहले ऑप्शन के बारे में बताऊँ, तो फ्रेंड्स पहला जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है वो होता है नो मनी बैक, यानी कि अगर आप मनी बैक नहीं लेना चाहते तो आप पहले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ हमारे दूसरे ऑप्शन की, तो वो होता है 5% ऑफ बेसिक सम अश्योर, यानी कि जो आपका सम अश्योर होता है उसका 5% आपको आता रहेगा 5 बार, यानी कि 5 बार आपको मनी बैक मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स 5% सम अश्योर के हिसाब से आपको 25% बेसिक सम अश्योर का पहले मिल चुका होगा, और बचा हुआ आपका 75% बेसिक सम अश्योर प्लस बोनस और प्लस आपका फाइनल एडिशनल बोनस मैच्योरिटी टाइम पे बच्चे को दे दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तीसरे ऑप्शन की, तो वो हमारा है 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर। तो फ्रेंड्स इस आपके जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है कि आपको 10% जो बेसिक सम अश्योर का है वो आप बच्चे को 5 बार मिलेगा, यानी कि 50% जो बेसिक सम अश्योर है वो मैच्योरिटी से पहले मिल चुका होगा, और मैच्योरिटी के टाइम पे 50% बचा हुआ सम अश्योर प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस बच्चे को दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा हमारा चौथा ऑप्शन है 15% ऑफ बेसिक सम अश्योर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, 75% जो मनी जो आपका बेसिक सम अश्योर है उसका पैसा आपको मिल चुका होगा मैच्योरिटी से पहले, और 25% ऑफ बेसिक सम अश्योर प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाएगा मैच्योरिटी के टाइम पे। तो फ्रेंड्स बेसिक सम अश्योर आपने नाम काफ़ी बार सुन लिया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ बेसिक सम अश्योर क्या होता है। दोस्तों बेसिक सम अश्योर का मतलब ये है कि जो हमारा बीमा धन है, यानी कि अगर हमने 5 लाख का बीमा लिया है, तो फ्रेंड्स आपका जो बॉन्ड है उस पर 5 लाख प्रिंट है, तो वो हमारा बेसिक सम अश्योर होता है। अगर आपके बॉन्ड पे 10 लाख प्रिंट है, वहाँ पे आप कभी भी नोटिस कीजिएगा आपके बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है सम अश्योर या फिर बेसिक सम अश्योर, तो वही आपका बेसिक सम अश्योर होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा जीवन तरुण प्लान है इसमें हमारे ऑप्शन काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको नो मनी बैक का ऑप्शन भी मिलता है। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चे के लिए जो मनी बैक वाला प्लान है वो लेना है, लेकिन उनको मनी बैक नहीं चाहिए, उन्हें एंड में ही
सारा पैसा एक साथ चाहिए, क्योंकि होता क्या है बीच बीच में मनी बैक आता रहता है और एंड में हमें पैसा कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि इस पॉलिसी में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मनी बैक ले चुके हैं इसलिए बाद में हमें पैसा काफ़ी कम लगता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो जीवन तरुण पॉलिसी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है आपके बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि बोनस रेट की, तो फ्रेंड्स इस टाइम पे मनी बैक पॉलिसी और जो आपका जीवन तरुण प्लान है दोनों का ही बोनस रेट सेम है। फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख ही पा रहे हैं दोनों ही प्लान के जो यहाँ पे बोनस रेट है सेम है, यानी कि आप दोनों पॉलिसी में से कोई से भी पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर मनी बैक का ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको सारा पैसा एंड में एक साथ चाहिए, तो आप जीवन तरुण प्लान को ले सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो बच्चों वाले प्लान होते हैं, चाइल्ड्स प्लान होते हैं, इसमें आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है कि इसमें बच्चे का रिस्क कवर रहता है। क्या है कि जो बच्चा था उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है पॉलिसी के दौरान, और जीवन लक्ष्य प्लान में जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड, तो उसमें बच्चे को बच्चे के डेथ होने पर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो पॉलिसी है वो फादर के नाम पर थी। और फ्रेंड्स जो ये मनी बैक प्लान है, चाइल्ड मनी बैक प्लान हो गया, जीवन तरुण प्लान है, इसमें अगर बच्चे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो इसमें सम अश्योर प्लस जो भी बोनस अगर बनता है वो ऐड होके प्रपोजर को दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको बच्चों के लिए चाइल्ड प्लान्स में से ही चूज़ करना चाहिए। जो हमारा जीवन लक्ष्य प्लान है ये हमारा चाइल्ड प्लान नहीं है, ये एक हमारा एज ए इंटरमेंट प्लान काम करता है, और ये जो 18 प्लस के लोग हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इसमें ये फ़ायदा देखा जाता है अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो इसमें जो 10% ऑफ बेसिक सम अश्योर है वो आता रहता है, प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। और अगर उन्होंने AD and DV जो राइडर है वो चूज़ किया था, तो एट द टाइम भी उनको अगर 10 लाख का बीमा था तो 10 लाख रुपये दे दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसमें डिफरेंट होता है, तो आई होप आपको डिफरेंट इनके समझ में आए हों। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसमें कुछ भी गलत चीज़ें लिखें, कुछ भी उल्टा लिखें, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने के बाद कोई भी पर्सन अगर उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव ही थिंक रखता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती तो इट्स ओके, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें उल्टी वो कुछ भी गलत मत लिखिए। तो फ्रेंड्स यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तब ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो ना तो सब्सक्राइब करना, ना तो लाइक करना, ना ही कोई आप कमेंट करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और कभी खुश रखिए। बाय फ्रेंड्स।